भी ऊँई कहानी, गुलामी न रौणा होर वापसी। इज़राइला रै राज्य होर यहूदा रै राज्य दुइये परमेश्वरा रै खिलाफ पाप केरू। तिन्हैं सौ वायदा चोड़ू ज़ो परमेश्वरै तिन्हां सैंघै सीनै ढौगा न केरू ती। परमेश्वरै तिन्हां बै पछतावा केरनै होर दबारा आराधना केरनै री तैंईंयैं चेतावनी देणै बै आपणै भविष्यवाणी केरनु आल़ै भेज़ै, पर तिन्हैं तिन्हरी गैल मनणै रा नाँह केरू। तैबै परमेश्वरै तिन्हरै बैरी बै तिन्हां बै नाश केरनै रै ज़रियै दुई राज्य बै सज़ा धिनी। अशूर एक होर देश ती ज़ो बोहू शक्तिशाली हुआ ती, ते होरी देशा री तैंईंयैं निर्दय भी ती। तिन्हैं एज़िया इज़राइली रै राज्य नाश केरै। अशूरा रै लोकै इज़राइली रै राज्य न बोहू लोका मकाऐ, ज़ो चाहू सौ लुटू, होर देशा रै कई हिस्सै फूकै। अशूरी लोकै सैभ प्रधान सेठ लोका होर ऐण्ढै लोका ज़ो कीमती चीज़ा बणाई सका ती सैंघै कठा केरै, होर तिन्हैं ते अशूर देशा न नेऐ। इज़राइली न सिर्फ किछ़ गरीब इज़राइली ऐ बचै। फिरी अशूरी लोका तेई देशा न रौहणै री तैंईंयैं विदेशी बै लेइया आऐ, ज़ो इज़राइली तौखै बच्चैदै ती तिन्हैं तौखै ब्याह केरू। इन्हां लोका रै खानदान सामरी कहलाऐ। यहूदा रै राज्य रै लोकै हेरू कि कैण्ढै परमेश्वरै तेई पैंधै बशाह नी केरनै होर तेरी गैल नी मनणै री बजहा न इज़राइली रै लोका बै सज़ा देनी ती, पर तैबै भी तिन्हैं कनाना रै लोका रै देऊऐ री मूर्ति री पूजा केरी। परमेश्वरै तिन्हां बै चेतावनी देणै री तैंईंयैं भविष्यवाणी केरनु आल़ै भेज़ै, पर तिन्हैं शुणनै न नाँह केरू। लगभग सौ बर्षा बाद अशूरी लोकै इज़राइली राज्य नाश केरू। परमेश्वरै बेबीलोनी रै राजा नबूकदनेस्सर यहूदा रै राज्य पैंधै हमला केरनै री तैंईंयैं भेजू। बेबीलोन एक शक्तिशाली देश ती। यहूदा रा राजा नबूकदनेस्सरा रा नौकर बणिया तिन्हां बै हर बर्ष बोहू सारा धन देणै बै त्यार हुआ। पर किछ़ बर्षा बाद यहूदा रै राजै बेबीलोना रै विरोधा न विद्रोह केरू। तैबै बेबीलोनै वापस एज़िया यहूदा रै राज्य पैंधै हमला केरू। तिन्हैं यरूशलेम जीतू, मंदिरा रा नाश केरू, नगर होर मंदिरा री सैभ कीमती चीज़ा तिन्हां न लेई। विद्रोह केरनै री बजह न यहूदा रै राजै बै सज़ा धिनी होर नबूकदनेस्सरा रै सैनिकै तेइरा बेटा तेइरै सामनै मकाऊ होर तेथा न बाद सौ काणा केरू। एथा न बाद तिन्हैं राजा आपु सैंघै नेऊ ताकि सौ बेबीलोना रै कैदखानै न मुआ लोड़ी। नबूकदनेस्सर होर तेरी सेना यहूदा रै राज्य रै लगभग सारै लोका बेबीलोना बै आणै, तौखै सिर्फ गरीब मांहणु छौड़ै ताकि ते तौखै छेता न कोम केरी सकलै। ऐ सौ बौगत ती ज़ैबै परमेश्वरा रै लोका बै वायदा केरूईदी ज़ैगा छौड़नै री तैंईंयैं मजबूर केरै। ऐई बौगता बै गुलामी बोलिया ती। परमेश्वरै आपणै लोका बै तिन्हरै पापा री तैंईंयैं सज़ा धिनी, तैबै भी तेइयै ते होर आपणा वायदा नहीं बिसरू ती। परमेश्वरै आपणै लोकै री निगरानी रखणी शुरू केरी होर आपणै भविष्यवाणी केरनै रै ज़रियै तिन्हां सैंघै गैला केरदा रहू। तेइयै तिन्हां सैंघै वायदा केरू कि सत्तर बर्षा बाद तिन्हां दबारा वायदे रै देशा न वापस जाणा। लगभग सत्तर बर्षा बाद फारसा रै राजै कुसरूऐ बेबीलोन हराऊ। तैबै बेबीलोना रै साम्राज्य रै बजाय फारसा रै साम्राज्य कई देशा पैंधै राज केरू। इज़राइली बै यहूदी बोलिया ती। तिन्हां मौंझ़ै बोहू लोकै आपणी पूरी जिंदगी बेबीलोना न बिताई। सिर्फ किछ़ पराणै बुजुर्ग यहूदी बै यहूदा नगर याद ती। फारसी लोका बड़ै शक्तिशाली ती, पर तिन्हैं आपणै जीतेदै लोका पैंधै दया केरी ती। ज़ैबै फारसी रा राजा कुस्तर बणू तेइयै ऐ हुक्म धिना कि अगर कोई यहूदी जो यहूदा वापस जाणा चाह सा ता सौ फारसा बै छोड़िया जाई सका सा। औखै तक कि तेइयै मंदिर बनाणै री तैंईयैं ढैबुओ भी धिनै। गुलामी रै सत्तर वर्षा बाद यहूदी रा एक होछा छुंड यहूदा न यरूशलेम नगर वापस आए। ज़ैबै ते लोका वापस यरूशलेम पुजै
ता तिन्हैं मन्दिर होर नगरा रै च़ोहू धिरै री दीवारा भी बणाई। पर एक बार फिरी ते वायदा केरूदै देशा न रौंहदै लागै ती होर मन्दिरा न आराधना केरदै लागै ती।